दोस्तों अभी हम बात करेंगे लंका प्रीमियर लीग के फाइनल मैच की, जो कि गेल ग्लेडिएटर्स और जफना किंग्स के बीच खेला जाएगा। दोस्तों आज ये फाइनल मैच खेला जाएगा और इस वाले मैच में ना स्मॉल लीग के लिए और ग्रैंड लीग के लिए कौन से बढ़िया ऑप्शन रह सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ मैं इस वीडियो पर डिस्कस करने वाला हूँ। और सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर ग्रैंड लीग अभी लाइव नहीं हुई है। ग्रैंड लीग जैसे ही लाइव होगी, ₹25 में यहाँ पर ग्रैंड लीग की टीम्स लग जाती है। तो आप सभी सबसे पहले ना ग्रैंड लीग में टीम्स लगा लेना अपनी, जो भी लोग ग्रैंड लीग खेलना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रैंड लीग के जो रेट्स हैं ना काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों फाइनल टीम कहाँ पे मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो दोस्तों टेलीग्राम ओपन करिए एंड यहाँ पर सर्च कीजिए @UDCRA। अब दोस्तों नीचे के जो चैनल शो हो रहा है ना, ये फेक चैनल है। ओरिजिनल जो चैनल है 94,000 के आसपास इसके सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, जो टॉप पे जो चैनल शो हो रहा है, केवल यही वाला चैनल आपको ज्वाइन करना है, बाकी किसी चैनल को ज्वाइन नहीं करना है। तो सिंपली इसे ओपन करिए एंड पोस्ट का फॉर्मेट देख लीजिए, कुछ इस तरीके से होता है अपने चैनल पर। जो यहाँ पर अनम्यूट का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिख जाएगा एंड सब्सक्राइबर 94,000 के आसपास है। ठीक है, केवल यही वाला चैनल आपने ज्वाइन करना है, बाकी किसी फेक चैनल पर ज्वाइन नहीं होना है। इसके बाद दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा ना टेलीग्राम का, सबसे पहला लिंक होगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। सिंपली उसे लिंक पे क्लिक करिएगा एंड यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों गेल ग्लेडिएटर्स और जफना किंग्स, वेन्यू सेम वेन्यू दोस्तों जहाँ पे लास्ट के 2-3 गेम्स हुए हैं, एलिमिनेटर के फर्स्ट क्वालिफायर और सेकेंड क्वालिफायर। अब वेन्यू के बारे में थोड़ा सा बताऊँ ना, तो पेसर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं लास्ट के, अगर 2-3 मैचेस उठा के आप देखें तो। स्पिनर्स की बात करें तो जहाँ पे अगर इस पेसर 10 विकेट लेके जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे स्पिनर ना 1-2 विकेट लेके जा रहे हैं, कुछ ऐसा सिनेरियो हो रहा है। ठीक है, तो पेसर को ज़्यादा फेवर कीजिएगा अपनी टीम में। सबसे पहले दोस्तों गिल ग्लेडिएटर्स की बात करेंगे, प्लेइंग 11 की भी बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों कुशल मेंडिस और गुना तिलका काफ़ी बढ़िया किया था दोस्तों। बात करें अगर कुशल मेंडिस की, 53 बॉलों में 85 रन की पारी खेली थी, 160 का स्ट्राइक रेट था। गुना तिलका दोस्तों 55 पे। वहीं पे अगर बात करें ना कुशल मेंडिस की, लास्ट गेम 9 रन पे गए थे। इसके बाद गुना तिलका 19 रन का स्कोर किए थे लास्ट गेम में। अनवर अली लास्ट गेम खेले नहीं थे, इनकी जगह वन डाउन पे हफीज़ आए थे। ठीक है, जिन्होंने 15 रन की पारी खेली थी। इसके बाद भानुका राजापक्षा 2 डाउन पे बैटिंग करेंगे। इनका बैटिंग ऑर्डर ना लगभग लगभग कंफर्म है, स्मॉल लीग के लिए एक बढ़िया ऑप्शन रहेंगे। इस वाले गेम में ना 25 रन का स्कोर किया, स्ट्राइक रेट काफ़ी बढ़िया था। लास्ट गेम की बात करें तो 23 रन का स्कोर करके आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों समित पटेल, जो कि 4 ओवर बॉलिंग भी कराएंगे, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। हालांकि इस गेम में कुछ खास नहीं कर पाए, लास्ट के गेम में भी 1 रन का स्कोर किए थे, लेकिन दोस्तों ऑप्शन बढ़िया है स्मॉल लीग के लिए। सेम दोस्तों कुशल मेंडिस का ऑप्शन आपके लिए है, गुना तिलका है, राजपक्षा है, समित पटेल का ऑप्शन बढ़िया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों शहन यहाँ पर काफ़ी नीचे बैटिंग करेंगे। इसके बाद इनकी तो बॉलिंग लाइनअप आ जाती है, एक बार बॉलिंग पर नज़र करेंगे। यह हेड टू हेड गेम है दोस्तों, जिनका मैच आज शाम में खेला जाएगा। इनकी बॉलिंग अगर एक बार देखें ना, वहाँ पे क्या मिलता है, नुआंतु सारा दोस्तों, एक बढ़िया पिक, 5 विकेट लेके गए थे। इसके अलावा बाकी ने 1-1 विकेट लिया। तो दोस्तों डिटेल्स पे चलेंगे एंड यहाँ पे देखिए डिटेल्स में बात करेंगे दोस्तों। नुआंतु सारा दोस्तों जो कि अंतिम ओवर करेंगे, ठीक है, ये आपके लिए एक बढ़िया पिक रहेंगे। इसके अलावा यहाँ से अनवर अली कर रहे हैं, इशरू उड़ाना, मौका इन्हें तो नहीं दिया जा रहा दोस्तों, देखेंगे ज़रा ओवर कितने कर रहे हैं। 3 ओवर इन्हें मौका दिया जा सकता है दोस्तों, बाकी पावर प्ले में भी दोस्तों अगर इनका लास्ट गेम अगर चेक करें ना,
ग्लेडिएटर्स का ये रहा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, नूर अहमद चांसेस कम है, ग्रैंड लीग पिक दोस्तों, आप इसको आप ट्राई कर सकते हैं। पुलिन थरंगा मिनी ग्रैंड लीग में रखिएगा, बाकी स्मॉल लीग के लिए एक ऑप्शन है समित पटेल का। अंतिम ओवर करेंगे दोस्तों पुलिन थारंगा, इनकी अगर बात करूँ ना तो 3-4 मेंबर के लिए ना एक बढ़िया ऑप्शन है इनका, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे चलते हैं, ग्लेडिएटर्स की बात कर रहे थे हम। यहाँ से दोस्तों एक तो आपके लिए बढ़िया ऑप्शन नुआन तुषारा का स्मॉल लीग के लिए, एंड इसके बाद समित पटेल, एक आधे बॉलर अगर आप और भी एडजस्ट कर पाए ना तो वो है दोस्तों पुलिन थारंगा का, ठीक है, स्मॉल लीग के लिए। इसके अलावा इशरू उड़ाना है, मोहम्मद आमिर है, जो कि मिनी ग्रैंड लीग के लिए ना बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। बैटिंग की बात करें, कुशल मेंडिस हैं, गुणतिलका हैं, राजपक्षा एंड समित पटेल, स्मॉल लीग के लिए बढ़िया ऑप्शन। सिंपली इन्हें टीम बना के दिखाते हैं दोस्तों। सबसे पहले कुशल मेंडिस, राजपक्षा, गुणतिलका, समित पटेल, नुआन तुषारा दोस्तों, इसके अलावा मैंने किसे बताया था, पुलिन थारंगा। बट देखेंगे दोस्तों, क्योंकि अपोनेंट टीम से ना हमें हसरंगा भी चाहिए और टीजारा परेरा भी चाहिए, वो देखेंगे आगे। बाकी इम्पॉर्टेंट प्लेयर ग्लेडिएटर्स के साइड से, ठीक है। 4 ओवर पूरे करेंगे, अब ये भी अपने 4 ओवर पूरे करेंगे, ये भी 3-4 ओवर पूरे करेंगे, ठीक है। बाकी बैटिंग से टॉप जो परफॉर्मेंस किए हैं लास्ट के गेम्स में, इसके बाद जफना किंग्स, इनकी 11 यहाँ से आप देखेंगे, प्लेइंग 11 जो रहने वाली है। सबसे पहले दोस्तों अविष्का फर्नांडो सेंचुरी लगा के आ रहे हैं लास्ट गेम में, बट उससे पहले दोस्तों क्या कहते हैं, अविष्का फर्नांडो सिर्फ 6 रन की पारी खेली थी, है ना। यहाँ पे 100 ऑप्शन बढ़िया रहेगा स्मॉल लीग के लिए। इसके बाद दोस्तों रहमानुल्लाह गुरबाज विकेट कीपिंग करेंगे जफना किंग्स के साइड से, और दोस्तों प्लेयर काफ़ी ज़्यादा तकड़े हैं, ठीक है, विकेट कीपिंग से अलग पॉइंट्स देंगे। एंड यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं, हालांकि इनके लास्ट गेम की बात करें तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया रहा है, 59 रन का स्कोर करके आ रहा है लास्ट गेम में भी। स्मॉल लीग के लिए दोनों ऑप्शन, दोनों ओपनर का ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद कैडमर, अब इनकी फॉर्म तो कुछ खास चल नहीं रही, इस वाले गेम में 15 रन, लास्ट के गेम में भी 4 रन, अब दोस्तों इससे ज़्यादा कुछ कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। बाकी आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, किन के प्लेस पे, अविष्का फर्नांडो जो कि लास्ट गेम में 100 रन का स्कोर करके आ रहा है ना, मे बी कभी चलते हैं कभी नहीं, इनकी जगह पे कैडमर को ट्राई कर सकते हैं, हालांकि थोड़े से रिस्की ऑप्शन रहेंगे। इसके बाद तीजारा परेरा, ठीक है, अब एक बार इनकी बॉलिंग में अगर जाएंगे ना तो दोस्तों यहाँ से देखिए, मैं अभी कुछ देर पहले ही बोला था तीजारा परेरा भी हमें लेना है, वो इसीलिए लेना है हमें क्योंकि 4 ओवर बॉलिंग भी कराएंगे वो, एंड 2 डाउन पे बैटिंग करते नज़र आएंगे। लास्ट गेम में भी 4 रन का स्कोर किए थे, उतना तो कुछ खास नहीं कर पाए, बट ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एज ए बॉलर शोएब मलिक आएंगे, है ना। अब दोस्तों शोएब मलिक की बात करें तो यहाँ पे तो 6 रन, लास्ट गेम में भी 2 रन का स्कोर करके आ रहे हैं, मिनी ग्रैंड लीग के लिए एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा शोएब मलिक का। इसके बाद अशन रंधिका का, अब ये दोस्तों क्या कर रहे हैं, लास्ट गेम खेले नहीं हैं, है ना, इनके स्टैट्स तो भी अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ दोस्तों। इनके स्टैट्स अगर आप देखें ना तो उतने तो कुछ खास नहीं है, है ना, डम्बुला जायंट्स के खिलाफ, कोलंबो स्टार्स के खिलाफ कुछ खास नहीं कर पाया। ऑप्शन ग्रैंड लीग के लिए बढ़िया है, स्मॉल लीग में फ़िलहाल मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। ये बैक आ गया दोस्तों, जफना किंग्स की बात कर रहे थे ना, यहाँ से दोस्तों हसरंगा,
लास्ट गेम की बात करें इनकी तो 29 रन का स्कोर किए थे। स्मॉल लीग के लिए बढ़िया ऑप्शन रहेगा, बॉलिंग भी कराएंगे चतुरंगा डे सिल्वा। इनके बाद इसके बाद इसकी बॉलिंग सेक्शन आ जाती है दोस्तों। इनकी बॉलिंग एक बार चेक करें तो चार ओवर करने वाले बॉलर्स, एक तो हो गए परेरा जो कि डिफ़ॉल्ट पिक रहेंगे, जेडन सील्स दोस्तों ये एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा। इसके बाद दो ऑप्शन यहाँ से निकल के आते हैं, हसरंगा का और यहाँ से थिकसाना का। एक बार डिटेल्स में अगर बात करें यहाँ से दोस्तों, हसरंगा 15वें ओवर मिडिल में बॉलिंग करा रहे हैं, 10वें ओवर में करा रहे हैं। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं पावर प्ले में थिकसाना। बाकी अगर इनका एक लास्ट गेम देखें परेरा दोस्तों, डिफ़ॉल्ट पिक रियाज, मुश्किल है दोस्तों ये वाला मैच खेलेंगे। हसरंगा 4 ओवर करेंगे, थिकसाना 4 ओवर करेंगे। हसरंगा दोस्तों अंतिम ओवर कराएंगे, परेरा मिडिल में कराएंगे ओवर्स। कुल मिला के दोस्तों अगर मैं पर्सनली बताऊँ ना, यहाँ से इम्पॉर्टेंट जो बॉलर्स होंगे ना आपके लिए वो होंगे थिकसाना, हसरंगा, जेडन सिल्स और दोस्तों तिजारा परेरा। मिनी ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन सुरंगा लकमल के अलावा और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा सुरंगा लकमल और चतुरंगा डे सिल्वा दो ऑप्शन मिनी ग्रैंड लीग के लिए, ठीक है। बैटिंग से दोस्तों अविष्का फर्नांडो, गुरबाज, टीजारा परेरा, हसरंगा, ठीक है, जेडन सिल्स, थिकसाना, ये ऑप्शन स्मॉल लीग के लिए है। बाकी मैंने बताया अविष्का फर्नांडो की जगह ना कैडमर को ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट गेम में 100 करके आ रहे हैं, मैं भी इस वाले गेम में ना कर पाए, बट ऑप्शन दोस्तों अविष्का फर्नांडो का स्मॉल लीग के लिए बढ़िया है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं ना तो दोस्तों आप कैडमर को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, मौका मिलेगा इन्हें बैटिंग करने का। वन डाउन पे बैटिंग करेंगे, इनकी बैटिंग तो आनी आ ही जाएगी दोस्तों, आनी ही है, कन्फर्म है, ठीक है। बाकी इनके ऊपर है कितना खास कर पाते हैं। इसके बाद दोस्तों टीम हसरंगा परेरा, अब यहाँ से दोस्तों सिल्स हमें लेने ही है, थिकसाना हमें लेने ही है, अब एक बैट्समैन। अब दोस्तों यहाँ से 11th प्लेयर हमारे हो गए, बट हमें दोस्तों गुरबाज यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अब इन्हें हम किसकी जगह पे ले सकते हैं तो दोस्तों हमें पुलिन थारंगा को ड्रॉप करना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ से रहमानुल्ला गुरबाज को ले सकते हैं। अब ये दोस्तों बन गई स्मॉल लीग की टीम, ठीक है। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात दोस्तों अगर मैं डायरेक्टली बताऊँ ना तो ये दोनों ऑप्शन सीवीसी के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ना। इसके अलावा कैप्टन मेरे रहेंगे परेरा। अब वीसी दोस्तों, वीसी किसे बनाएंगे, राजपक्षा का ऑप्शन आपके पास है ना, नुहान थुशारा दोस्तों ये ऑप्शन एक बढ़िया है, हम कुछ अलग ट्राई करेंगे। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्मॉल लीग के लिए फाइनल टीम ऑलमोस्ट इसी टीम के साथ अगर हम जाएंगे अगर तो प्लेइंग 11 सेम रहेगी, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।